सबको नमस्ते, सबको नमस्ते करते हुए ये जो आंदोलन चल रहा है, आप इसके ऊपर क्या टिप्पणी है? आपका अपप्रचार भी करने का कोशिश चल रहा है, पॉलिटिसाइजेशन भी चल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे बंगाली और जनजाति के लोग यहाँ पे कैसे आए, एक साथ कैसे रह रहे हैं और क्यों जरूरी है त्रिपुरा लैंड, थोड़ा आप बताएंगे? जी बिल्कुल, ये सही है, आपने जो पूछा मैं उसी का ही उत्तर दूंगा। क्योंकि यहाँ जो आज के दिन में त्रिपुरा लैंड का डिमांड उठ रहा है, वो त्रिपुरा के सभी एरिया को लेकर नहीं है, बल्कि त्रिपुरा की जो जनजाति रह रहे हैं सिक्स शेड्यूल क्षेत्र को लेकर ही नया राज्य त्रिपुरा लैंड की मांग है। क्योंकि त्रिपुरा के इतिहास में जाकर देखे तो सभी को ये पता है कि जब बांग्लादेश में अशांति के कारण यहाँ की हमारी बंगाली भाइयों ने, उन वर्तमान के जो रह रहे हैं उनके पूर्वजों ने जब आया था, तो हमारी त्रिपुरी जाति के पूर्वजों ने, हमारे पूर्व पुरुषों ने उनको दिल से लगाकर अपने भाई समझ के यहाँ रहने की जगह दी है। उस क्षेत्र को लेकर आज हमारी ऐसी स्थिति है कि हमारी अब जनसंख्या इतनी कम हो चुकी है कि हमारे अस्तित्व खत्म होने को जा रहा है, ऐसी कागर पर खड़ी है कि कल को हम रहेंगे या नहीं। क्योंकि इसको मद्देनजर रखते हुए आज के दिन में हम उस क्षेत्र को लेकर ही नया राज्य त्रिपुरा लैंड गठित करने की मांग कर रहा हूं। क्योंकि इसमें हमारी मांग पर कई राजनीतिक पार्टियों ने अपप्रचार चला रखी है कि यहाँ की त्रिपुरा जाति और बंगाली जातियों के बीच में ये एक उत्तेजित टिप्पणी कर करके यहाँ और एक दंगा की रूप देने की कोशिश कर रहा है। हम इसको निंद जनाते हैं क्योंकि ये ऐसी घटना है कि यहाँ की जो पहाड़ी और त्रिपुरी जाति कह लेने वाला और बंगाली भाइयों के बीच जो भाईचारा और शांति को विनष्ट करने की एक षड्यंत्र है, ये हम मानते हैं। हम और बंगाली भाइयों से ये अनुरोध करते हैं, यही आह्वान करते हैं कि त्रिपुरा लैंड बनने में आप लोगों की सहायक चाहिए, आप लोग हमारी सहयोगी बने, क्योंकि हम आपके भाई हैं और भाई को बचाने के लिए भाई का ये कर्तव्य होता है और धर्म भी होता है। और भारत सरकार को हम यही मांग करते हैं, भारत सरकार से हम यही आशा रखते हैं कि हे पिता, आपके पुत्र आपकी संतानों की रक्षा कीजिए कि आप हमारे पिता हैं। क्योंकि कोई कोई ये कहते हैं कि भारत में कोई भी अगर मांग पूरी करना है तो जान देना पड़ेगा, लेकिन हम इस विचार में बिल्कुल नहीं मानते हैं, क्योंकि भारत हमारे पिता है। इसके मैं एक टिप्पणी देना चाहूंगा कि हमारे पिता को जो यदि हम कहें कि पिताजी हमें एक चीज चाहिए, हम लिखने के लिए एक पेन चाहिए, तब हमारे पिता तो ये नहीं कहते कि तुम पहले जान दो तब हम पेन देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जान देने के बाद ही अगर हमारी मांग पूरा होता है तो उस मांग का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि हम अपने आप को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को रक्षा करने के लिए ही भारत सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि त्रिपुरा की सिक्स शेड्यूल क्षेत्र की लेकर ही अपने नया राज्य त्रिपुरा लैंड गठित कर दीजिए, क्योंकि तभी हमारी त्रिपुरी जाति अपनी जनसंख्या को लेकर अपनी तरीके से जी पाएंगे और अपनी अधिकारों के साथ जी पाएंगे। क्योंकि भारत की कई राज्यों के लोग अपने अधिकार में जी रहे हैं, तो हम क्यों नहीं पीछे रह जाए? क्योंकि कई कहते हैं कि ये विकास के बारे में बात नहीं करके अलग राज्य की क्यों बात कर रहे, लेकिन हम तो ये कहते हैं हे पिता, पहले हमें बचाइए तभी हमारी विकास के बारे में सोचिए, जब हम ही नहीं रहेंगे तो विकास किसके लिए करेंगे, पहले हमें बचाइए, विकास अपने आप हो जाएगा। और बंगाली भाइयों को भी हम यही सहयोग करते हुए यही अनुरोध रखता हूँ कि शांति के साथ त्रिपुरा लैंड बनने में हमारी सहयोग कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। भारत माता की, त्रिपुरा लैंड की, भारत माता की, त्रिपुरा लैंड की, भारत की लोगों की, सबको नमस्कार। दूसरा किसी से बुलाएंगे, दूसरा किसी से।